अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल फ्राइड चिकन, उसको देसी टच दूंगी मैं अपना। आइए स्टार्ट करते हैं। मिल्क लिया मैंने 3/4 कप, एक टीस्पून चिली रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 अंडे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें चिकन डालूंगी। चिकन मैंने 1 किलो लिया है। चिकन के ना थाई और वो स्किन के साथ ही मैंने लिया और उसको ऐसे करके कट लगा लिए, थाई एंड लेग्स। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने उसको मैरिनेट कर दिया है। अभी इसको 3-4 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे मैरिनेट करके। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो आप इसको बाहर रहने दें। अगर देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। देखिए 3 घंटे हो गए हैं मुझे चिकन को रखे हुए, मैरिनेट किए हुए, तभी रेडी है। वैसे आप मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें तो वो तो बेस्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे भी ठीक है, अच्छा आता है उससे भी रिजल्ट। अभी देखें मैं बैटर तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने मैदा 2 कप लिया है, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप कह लें, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 3 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ड्राई बैटर के लिए हमेशा बड़ा बर्तन और गहरा लें ताकि बाहर ज्यादा उसके मैदा ना आए। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ऑयल मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया है। इसमें आप स्किन के साथ ही ले चिकन तो उसका ज्यादा मजा आता है। फ्राई में जब स्किन होती है ना बहुत मजा देती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको उतार भी सकते हैं और स्किन के साथ भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से दबाना है।
और इतना ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम गर्म होगा तो स्किन जो है वो सही सख्त नहीं होगी। पहले मैं बड़ी मोटी डालूंगी, उसके बाद लेग फ्राई करूंगी। साथ हम ये गार्लिक का सॉस बना लेते हैं, ये बहुत नाइस लगता है फ्राइड चिकन के साथ, ये बहुत टेस्ट देता है। आप भी जरूर बनाएं। मैंने 5 टेबल स्पून लिया योगर्ट, 2 टेबल स्पून लिया है मेयोनेज, एक टेबल स्पून लेमन जूस, एक टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गार्लिक का मुझे टेस्ट कम आया था, मैंने गार्लिक ये देखिए थोड़ा सा मैं और डालने लगी हूँ गार्लिक पाउडर, इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। योगर्ट आपने थिक ही लेना है और मीठा लेना है, खट्टा योगर्ट नहीं लेना और पतला नहीं लेना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त रेडी हुआ है, माशाल्लाह। आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, रमजान में जरूर ट्राई करें, बड़े बच्चे सब ये बहुत शौक से खाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बनता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।